जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। बहरिया टाउन कराची ने जो डॉन न्यूज़ ने रिसेंटली रिपोर्ट एक शाया की थी, आप सामने जो है आई होगी यकीनन, उसके ऊपर इतना ऑफिशियली मौकफ जो है वो सामने आए बहरिया टाउन का जो है वो आया है, और उसके ऊपर उन्होंने दी न्यूज़ के अंदर ये रिपोर्ट मेरे सामने जो है वो पड़ी हुई है। इसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर डिटेल के साथ जो जो एलिगेशन बहरिया के ऊपर जो डॉन ने लगाए थे, और डॉन के जो एलिगेशन थे वही टिपिकल जो एलिगेशन थे उन्होंने वो लगाए हुए थे कि ज़मीन जो है इनके पास इलीगल ज़मीन है, उन्होंने बहुत सारी ज़मीन जो है वो ऑक्यूपाइड की हुई है, और जितनी ज़मीन मौजूद है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन जो है उनके पास वो मौजूद है। तो कल एक बहुत खुशाइन बात ये थी कि बहरिया टाउन ने सारे एलिगेशन के ऊपर बहुत डिटेल से जो है अपना जवाब जो है अपना सबमिट जो है वो करवाया है, और जो भी ये जवाब था इसको मलिक रियाज साहब की, अली रियाज साहब की, बहरिया टाउन की जो ऑफिशियल आईडीज हैं उन सबसे जो है इस न्यूज़ को जो है शेयर भी जो है उन्होंने किया था। अच्छा, सबसे पहले भी आपको मैं जो थोड़ा सा जो डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट थी उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एलिगेशन क्या लगाए थे और उसमें जो बाइसनेस जो शो हो रही थी उसकी रीज़न जो है वो क्या थी। उन्होंने इल्ज़ाम जो टिपिकल ये लगाया हुआ था कि बहरिया के पास ज़मीन जो है वो इलीगल है, जो टिपिकल आप चीज़ें जो सुनते देखते सुनते रहते हैं सबको वो मालूम है, वो चीज़ें उन्होंने बताई थी। और इसके अलावा जो एक और चीज़ थी जो जिस चीज़ से बाइसनेस जो इनकी वो शो होती थी, जो रिपोर्ट इन्होंने अपने डॉन न्यूज़ के अंदर जो शाया की थी जो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी जो इन्होंने बनाई हुई थी, जो कि इन्होंने ऑन ग्राउंड यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अंदर आकर इनकी पूरी टीम यहाँ पर जो है वो आई थी, और उस टीम ने पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो तैयार की थी बहरिया टाउन के ऊपर। और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉन न्यूज़ जो कितना मोतबर इदारा है, जिसकी जर्नलिज्म पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मशहूर है कि बहुत अनबायस्ड उनकी जर्नलिज्म होती है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जब वो बहरिया टाउन के ऊपर जब वो आया है तो बहुत सारी उनकी उस रिपोर्ट के अंदर बाइसनेस जो इनकी वो शो हो रही थी। अब वो बाइसनेस किस तरह से थी कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री के अंदर, यानी कि आप ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कि उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं आप, उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि हम लोग जब बहरिया टाउन का विजिट करने के लिए हम लोग गए थे तो किसी बहरिया के किसी आखिरी कोने के ऊपर जो है पहुँचे हुए थे, जहाँ पर ये बाउंड्री वॉल चेक कर रहे थे कि बहरिया के पास कितनी ज़मीन जो है मौजूद है, मोस्ट प्रॉब्ली वो प्रिसिंक्ट 41 या उससे आगे का शायद कोई एरिया था, वहाँ पर जो है ये लोग पहुँचे हुए थे। अब जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे हुए तो जो बहरिया के रेजिडेंट्स हैं, आप सबको मालूम है कि बहरिया टाउन के अंदर कोई भी DSLR जो है अलाउ नहीं है, अब DSLR कैमरा या बड़ा कैमरा जो है अब वो बहरिया के अंदर आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किसी भी एरिया के अंदर आप विदाउट परमिशन जो आपको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं तो उसके साथ ही बहरिया की 2-3 सिक्योरिटी की गाड़ियाँ जो है वहाँ पर वो पहुँच गई हैं इनसे मालूम करने के लिए कि आप लोग कौन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये कैमरा क्यों आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आपको मालूम नहीं है कि वीडियो बनाना जो है यहाँ पर वो अलाउ नहीं है। तो बहरिया की सिक्योरिटी अपना काम जो है वो कर रही थी कि ज़ाहिर कोई भी जब उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ नज़र आती है तो बहरिया की सिक्योरिटी फ़ौरन वहाँ पर जो है वो पहुँचती है, तो बहरिया की सिक्योरिटी ने अपना काम जो है वो किया। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है वो शो किया कि हम ये देखें, ये हम लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और ये बहरिया की सिक्योरिटी की गाड़ियाँ जो है वो आ रही थी, शायद वो कोई सिक्योरिटी की गाड़ी नहीं, कोई चोरों की गाड़ियाँ थी जो कि जिस तरीके से वो आ रही थी, उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट जो है वो किया अपनी वीडियो के अंदर उन्होंने बताया। और जब वहाँ से उनके साथ आकर उन्होंने बातचीत की तो कोई भी मिसबिहेव तो नहीं किया, तो अगर कोई मिसबिहेव करते तो फिर शायद हमें समझ आता कि डॉन न्यूज़ वाले जो है अपनी इस चीज़ को अपनी उस रिपोर्ट के अंदर या अपनी उस वीडियो के अंदर जो है वो शाया करते, लेकिन कोई मिसबिहेव नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी आकर ड्यूटी की कि उनसे पूछा आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये वीडियो बनाना इस तरह से जो है वो अलाउ नहीं है, अगर आपको वीडियो बनानी है आप पहले हेड ऑफिस जाएँ वहाँ से परमिशन लेकर आएँ अपनी। तो वो उनके साथ आया, फिर वहाँ से जब वो लोग जाने लगे तो बहरिया की सिक्योरिटी उनके पीछे पीछे थी, इनके उनको पूरा प्रोटेक्ट किया बहरिया की सिक्योरिटी ने, क्योंकि बहुत ही एक अनवांटेड एरिया के अंदर, बहुत ही जंगल के अंदर जो वहाँ पर वो पहुँचे हुए थे, तो उस चीज़ को भी इन्होंने वहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पर जो है इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर शो किया कि हमसे बहरिया की सिक्योरिटी ने आकर ये चीज़ क्यों पूछे कि हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक तो यहाँ से क्लियरली इनकी बाइसनेस जो है शो हो रही थी कि ये चीज़ रिपोर्ट के अंदर शाया करने वाली नहीं है, डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये चीज़ बताने वाली नहीं है, हाँ अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव सिक्योरिटी ने किया तो फिर आप शायद बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दी है। अच्छा, एक और चीज़ ये थी कि उस बाउंड्री वॉल से आगे थोड़ा सा आगे कर वहाँ पर एक कमरा जो है वो बना हुआ है जिसके ऊपर BTK जो लिखा हुआ था, और ये चीज़ जो मैं आपको सिक्योरिटी वाली चीज़ बता रहा हूँ और ये जो कमरे वाली बात बता रहा हूँ, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का एक कमरा था जो कि बहरिया टाउन ने शायद बना कर दिया हुआ है उनके बकोल, तो उसके ऊपर BTK लिखा हुआ था, तो उसके ऊपर उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि उनकी जो बाउंड्री वॉल है बहरिया की उससे बाहर जो है ये एक छोटा सा कमरा जो है बना हुआ है जहाँ पर बहरिया का सिक्योरिटी गार्ड जो है बैठा होता है, जो कि ज़ाहिर है बहरिया की जो बाउंड्री वॉल है उसकी प्रोटेक्शन जो है वहाँ पर वो कर रहा होता है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है वो शो किया हुआ था कि बहरिया की बाउंड्री वॉल के बाहर एक कमरा जो है मौजूद है जिसके ऊपर BTK लिखा हुआ है। अब हालांकि ये नहीं मालूम किसी को भी, ना ही उन्होंने इस चीज़ का कोई सबूत जो मुहैया किया कि ये बहरिया टाउन की सिक्योरिटी का ही ये कमरा था या किसी और का कमरा था कि उसने अपना वहाँ पर BTK जो है वो लिखा हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉन के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि जो शैलो चीज़ें हैं वो चीज़ें जा रही हैं। भाई अगर आपने कोई इल्ज़ाम लगाना ही है तो आप कोई जनरल इल्ज़ाम उसके ऊपर बहरिया के ऊपर आप लगाएं कि उन्होंने ये चीज़ गलत की है, ये चीज़ें उन्होंने कोई मिसप्लेस की हैं, इस चीज़ का आप इल्ज़ाम जो है वो लगाएं, लेकिन ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इदारे को ये चीज़ सूट करती है कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है
वो अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर जब वो वहाँ पर जा वहाँ जाकर बताना शुरू कर दी, बिल्कुल एक कैजुअल सी चीज़ें हैं। हम लोग इल्ज़ाम के ऊपर आते हैं कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उनका जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि बहरे के पास जो ज़मीन थी 16,000 एकड़, उस 16,000 एकड़ से ज़्यादा लैंड जो इनके पास वो मौजूद है। अब ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जो बहरे ने इस जो ये रिपोर्ट है इसके अंदर जो चीज़ उन्होंने मेंशन की है, बहरिया ने ओन किया इस चीज़ को कि भाई यस मेरे पास 16,000 एकड़ लैंड है, जो मैप इन्होंने शो किया है, ये बहरिया ने पूरा मैप भी इन्होंने जो है वो शो किया है। और ये इस तरह से पहली दफ़ा जो है ये चीज़ हो रही है, बहरिया ने पूरा मैप जो है वो दिया कि भाई ये मेरा मैप है 16,000 एकड़ का, मेरे पास इस मैप से ज़्यादा ज़मीन मेरे पास मौजूद है। बहरिया ओन करा कि यस मेरे पास मौजूद है लैंड। अब वो लैंड कौन सी है ये चीज़ अब आपको समझनी चाहिए। बहरिया ये कह रहा है कि जो लैंड मेरे पास मौजूद है ये प्राइवेट लैंड है, यानी कि जो लैंड मैंने इस ये मामला क्लियर होने के बाद, यानी कि जब ये 16,000 की ये बाउंड्री वॉल खींच गई थी तो इसके बाद मैंने जो चीज़ परचेज की वो प्राइवेट लैंड है, जो कि मेरा और ये राइट है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर कहीं पर भी ये मना नहीं किया कि आप इसके अलावा लैंड जो है आप वो परचेज नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर जो है पाबंदी है, इस तरह की कोई भी चीज़ जजमेंट के अंदर नहीं है। मैंने वो प्राइवेट लैंड मैंने इसलिए परचेज की कि मेरे जो इफेक्टिव जिन इफेक्टिव को मैं अकोमोडेट नहीं कर सका था उनको अकोमोडेट करने के लिए मैंने प्राइवेट लैंड जो है मैंने वो परचेज की है। मैंने प्राइवेट लैंड भी परचेज की है, मैंने न्यू डील्स भी मैंने दिए हैं, ये सब कुछ बहरिया ओन करा कि भाई वाकई भी ये बात सच है। मैंने इस चीज़ से मैंने इनकार जो है वो नहीं किया कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा लैंड जो मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं इनकार तो नहीं करा इस चीज़ से क्योंकि वो एक्स्ट्रा लैंड इसलिए मौजूद है कि वो प्राइवेट लैंड है। अच्छा, अब उसके ऊपर एक और चीज़ जो बहरिया ने काउंटर जो है वो किया है डॉन को कि आप लोग ये तो शो कर रहे हो कि मेरे पास एक्सेस लैंड जो मौजूद है, लेकिन आप ये नहीं शो कर रहे कि मुझे जो 16,000 एकड़ जिसके अगेंस्ट में मैंने 460 बिलियन रुपीज़ मैंने अदा करने थे जुर्माने की मद के अंदर, उसके अगेंस्ट में मुझे जो लैंड अब तक दी गई है वो सिर्फ 11,000 एकड़ है और 5,000 एकड़ लैंड जो है उसके अंदर वो शॉर्ट है। 5,000 समथिंग एकड़ लैंड जो है वो क्लियरली इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि इतनी लैंड जो है मेरे पास वो शॉर्ट है। और ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ जो उन्होंने मैप के नीचे जो चीज़ लिखी हुई है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये टोटल लैंड अवेलेबल फॉर लीज बाय MDA टू BTK इज 11,749 एकड़स विच इज शॉर्ट बाय 5,147 एकड़स एज वाज प्रॉमिस्ड, यानी कि जो जो मुझे 16,000 एकड़ लैंड जो मुझे प्रॉमिस दी गई थी उसके अगेंस्ट में मुझे सिर्फ 11,000 लैंड जो दी गई है। तो बहरिया टाउन ये कह रहे हैं कि आपने उस चीज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट के अंदर जो आपकी बाइसनेस है कि आपने उसमें ये शो नहीं किया कि बहरिया को उस 16,000 एकड़ जो जिस जमीन का मसला है उस जमीन के अगेंस्ट में मुझे सिर्फ 11,000 एकड़ लैंड जो दी गई है। तो अगर आप मुझे ये 5,000 एकड़ लैंड अगर आप मुझे देते हैं तो इस लैंड से मैं अपनी फैक्ट्रीज को एटलीस्ट जो मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि बहरिया टाउन जो है वो ये क्लियरली बहरिया के मौके पर सामने आ गया कि अगर ये मुझे 5,000 एकड़ लैंड मिलती है तो इससे मैं अपने इफेक्टिव्स को मैं क्लियर करूंगा जो कि उस 16,000 एकड़ लैंड के अगेंस्ट में मेरे इफेक्टिव्स जो है वो क्रिएट हुए थे। अच्छा, इसके अंदर कुछ मिसकंसेप्शन भी अब जो है ज़ाहिर है मार्केट के अंदर जो है वो फैलेंगी, तो आपने उस इसके हवाले से अपने क्लियर जो है आपने वो रहना है। इसके अंदर जो पहले ने रेड लाइन के अंदर ये चीज़ मेंशन की कि 16,000 एकड़ मेरे पास लीज के लिए अवेलेबल है MDA की तरफ से, उसका ये मतलब है कि जब बहरिया टाउन अपनी लाइबिलिटी को क्लियर करेगा यानी कि जो 460 बिलियन रुपीज़ जब वो अदा करेगा उसके बाद इस लैंड की लीज़ जो है वो अवेलेबल होगी, यानी कि लीज़ के लिए अवेलेबल है लेकिन ये अवेलेबल तब होगी जब 460 बिलियन जो है बहरिया टाउन वो पे करेगा, उसके बाद लीज़ होगी। यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये समझना शुरू कर दें कि बहरिया टाउन जो है वो लीज़ की तरफ जो है वो जाने वाला है। तो ये हम आपको सच जो है हम आपको इस चीज़ के हवाले से जो सच्ची बात है उससे आपको जो है आगाह कर रहे हैं। तो जो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो नोट करने वाली है, आपको ये मालूम होगा कि जब इससे ज़्यादा सवेर मसला था जब सुप्रीम कोर्ट का केस जब ये शुरू हुआ था आज से तकरीबन 4-5 माह पहले केयर टेकर गवर्नमेंट जो है चल रही थी, तो उस टाइम जो है बहरिया ने अपना कोई भी ऑफिशियल मौकफ़ या इस तरह से कोई डिटेल में कोई भी अपनी उनका जो ओपिनियन है वो अपने बहरिया टाउन ने जो नहीं दिया था इसके ऊपर। लेकिन अब जब ये मामला वगैरह क्लियर हो गए तो उसके बाद अब जो भी नेगेटिव चीज़ आ रही है बहरिया टाउन उसको जो है वो काउंटर कर रहा है। तो और इसके अंदर बहरिया टाउन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी की है, इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि आप प्लीज़ जो मेरी फेयर वैल्यूएशन है मेरी लैंड की जो आपने DHA के साथ आपने की हुई है उसके उसी के बराबर में मेरे साथ भी जो है वो ट्रीटमेंट की जाए, मेरे साथ आपने बहुत ज्यादती जो है वो की है 460 बिलियन रुपीज़। और तो आई होप सो कि बहरिया टाउन जो है अब ये नई गवर्नमेंट आ चुकी है और आई होप सो कि इनके मामला जो है वो क्लियर हों और जो 460 बिलियन रुपीज़ वहाँ जाने हैं, अगर वही 460 बिलियन रुपीज़ वहाँ यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के ऊपर अगर वो 460 बिलियन रुपीज़ वो लगते हैं इनके 460 बिलियन रुपीज़ अगर वहाँ जाने की बजाय हमारे ऊपर लगते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा जो है बहरिया टाउन कराची का वो हो सकता है। तो आई होप कि मामला वगैरह जो बेहतर होंगे, अभी मैं इसके बाद हम उम्मीद भी कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि मार्केट वगैरह जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। लेकिन अब एक चीज़ क्लियर होगी कि इस तरह की चीज़ों की अब मज़ीद कोई भी वैल्यू जब नहीं रही, अब सब कुछ लोगों को पता ये लग चुका है, यानी कि जो जनरल पब्लिक है बहरिया के इन्वेस्टर्स हैं सबको ये चीज़ मालूम हो चुकी है।
कि बैरिया टाउन जो है बैरिया टाउन के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जो है वो जरूरत से कहीं ज़्यादा जो है वो किया जाता है, कायक जो है उसके उलट होते हैं और जो प्रोपेगेंडा होता है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो किया जाता है। और उस प्रोपेगेंडे के अंदर बड़े बड़े जो इदारे हैं वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो लेकिन इस सब के बावजूद भी जो खुशाइन बात है, बैरिया ने क्लियरली चीज़ मैंशन की है कि हमारा जो पैसा है, हमारी जो जमा पूंजी है वो सारी यहाँ पाकिस्तान के अंदर ही है, हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को हम लोग जो मायूस नहीं करेंगे और जो जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उससे डबल स्पीड के साथ हम लोग जो है इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो हम लोग वो काम करने जा रहे हैं। तो ये जो है अब तक की ये अपडेट थी, इसके हवाले से काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन जो है मौजूद थी लोगों के जहन में, तो मैंने सोचा कि उन आपके साथ जो है ये सारी चीज़ें जो है शेयर की जाएँ। तो मज़ीद इस न्यूज़ का जो इन्होंने मौके तो अपना पेश किया, इसका मैं लिंक भी आपको जो है मैं शेयर कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसके ऊपर जाकर भी चीज़ सारी जो है आप खुद भी से आप जो है स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।